महंगाई जीत गई। जी हां, 5 रियासतों के अंदर हुए इंतखाबात के बाद आम लोगों को महंगाई का झटका लगना शुरू हो गया है। आज से गाड़ियों में सफर करना, खेत में सिंचाई करने जैसे जरूरी कामों के अलावा घर में खाना पकाना और भी ज्यादा महंगा हो गया है। जी हां, आज से डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। 137 दिन बाद पेट्रोल में 80 पैसे और डीजल में 78 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है, जबकि गैस सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा हो चुका है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 21 पैसे जबकि डीजल की कीमत 87 रुपए 47 पैसे हो गई है। मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 82 पैसे पहुंच गई है, जबकि डीजल की कीमत यहां पर 95 रुपए हो गई है। लेकिन सबसे अहम बात, बिहार की राजधानी पटना में रसोई गैस की कीमत 1039 रुपए 50 पैसे हो गई है। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आज बिहार दिवस है। एक तरीके से कह सकते हैं कि बिहार दिवस पर बिहार के लोगों को एक बड़ा झटका लगा है, और वो महंगाई का झटका लगा है। महंगाई को लेकर अपोजिशन लीडरान ने तंज कसा है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर लगा लॉकडाउन हट गया है, अब सरकार मुसलसल कीमतों का विकास करेगी। जबकि समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा है कि आवाम को दिया बीजेपी सरकार ने महंगाई का एक और तोहफा, लखनऊ में रसोई गैस सिलेंडर हुआ 1000 के पार, इंतखाब खत्म, महंगाई शुरू। भारत एक जमहूरी मुल्क है जहां इंतखाबात को लेकर त्यौहार की तरह इसको मनाया जाता है। आवाम को उम्मीद ये होती है कि नई हुकूमत आएगी तो आम लोगों को राहत देगी, लेकिन हिंदुस्तान में इसके बरक्स उल्टा देखने को मिलता है। हुकूमत चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन इंतखाबात में कोई जीता हो या हारता हो, कामयाबी किसी को मिलती हो, लेकिन अक्सर आवाम यहां पर हार जाते हैं और महंगाई जीत जाती है। आज के मुद्दा में इसी इश्यूज पर बात करेंगे, जहां हमारे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं महंगाई को लेकर लोगों का क्या कहना है, आवाम इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन ये कितना फर्क आप देख रहे हैं, जैसे कि पहले आपको 1 लीटर में आप सफर करते रहे होंगे, ठीक था? बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मैम 1 लीटर में तो लगभग वही चल पाती है, 40-50 किलोमीटर, लगभग 100 रुपए की पेट्रोल 1 लीटर की आती है। अब क्या करें, अब मजबूरी है मैम, आम लोगों के लिए बहुत परेशानी है मैम, क्या करें फिर बताओ आप। ये तो पता ही नहीं चलता कब बढ़ जाता है, और दिक्कत तो होती है पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो। और जैसे मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ तो कल मुझे पता नहीं था, आज पता चला, मैं आज भरा रहा हूँ पेट्रोल, बट दिक्कत है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, इसके अकॉर्डिंग जो सैलरी है ये कुछ नहीं बढ़ रही है, एक इम्पैक्ट तो आता ही है। देखिए ऑफिस तो जाना है डेली, वो तो कर नहीं सकते, उसमें कटौती तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि तो टाइमली पहुंचना है, टाइमली आना है। हाँ, पेट्रोल रेट का आज से बढ़ गया है, बहुत से प्रॉब्लम्स है, पेट्रोल रेट बढ़ने से एवरीथिंग पे फर्क पड़ेगा, और आम लोगों की लाइफ के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आम लोगों के लिए कुछ तो करें, पेट्रोल रेट के ऊपर कुछ तो काम करें, और कुछ तो हेल्प हो हम पब्लिक के लिए, और बोलने का क्या है, ये ऐसा पेट्रोल बढ़ जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या बोलते, मिडिल क्लास वाला को बहुत दिक्कत हो रहा, डे बाई डे पूरा ऑयल का ये वो वार चल रहा, बट क्या है बोले तो वार चलने के बाद भी इधर ऑयल बढ़ा दे रहा है, पहले वो वार कंप्लीट होने के बाद, तब वार क्लोज होने के बाद, वो वार के बार होने के बाद वो बढ़ दी है तो अलग बात है, पहले से बढ़ दे रहा वो, अभी अपना रिफाइंड ऑयल वो सब भी बढ़ दे रहा, पेट्रोल भी बढ़ा दे रहा, मिडिल क्लास वालों को बहुत दिक्कत हो जाएगा। मिडिल क्लास पीपल बहुत मुश्किल है सर, आने वाला फिर बढ़ते ना, बहुत मुश्किल है, उसका रेट्स के हिसाब से प्रोविजन्स भी बढ़ जाते, मिडिल क्लास पीपल को जीना बहुत मुश्किल है। अब रेट कम करने की कोशिश करना, उसका वजह से पूरा भी कम होता, प्रोविजंस भी कम होता पूरा। पेट्रोल रेट 130-140 नहीं हुआ, उसके लिए बड़ी बात है अपने लिए, आज 1 रुपया बढ़ने से कुछ नहीं होगा यार, बट ठीक है, बढ़ा तो भी ठीक है, घटा तो भी ठीक है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्यों तो वी आर केपेबल यानी मिडिल का समझ रहा है सब, क्यों तो वार हो रहा है, पेट्रोल का शॉर्टेज है, हर जगह प्रॉब्लम है, फिर भी अपने पास थोड़ा कम बढ़ा तो ठीक है, वी आर वेरी कम्फर्टेबल विद दैट। अरे बाबा, गरीब आदमी का तो मरना है, पेट्रोल क्या है, कब साइकिल निकालना पड़ रहा है अभी, क्या कर, क्योंकि कमाई उतनी नहीं है ना, तो पेट्रोल रोज का 50-60 रुपये का रोज जाएगा, 100 रुपये का डाल के क्या करेगा आदमी, खाएंगे क्या, ये आपत है अभी।
जीना मुश्किल है वहाँ, क्या कर रहे हैं, काम धंधे एक तो है ही नहीं, हाजिरी जो है ठीक है, पेट्रोल बढ़ाओ ना, तो मजदूर लोगों की जैसे 100 रुपये हाजिरी है, 300 रुपये, 500 रुपये हाजिरी है, तो 600-700 रुपये करो, तो उसको मैनेज हो जाएंगे।